यार सबसे पहले तो ज्यादती है, हमें रेन बारिश 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 का बताया जा रहा था, बेंगलुरु में बारिश है क्योंकि आज हम देखने बेंगलुरु लगे हैं, तो बेंगलुरु में मैच हो रहा है अभी राइट नाउ, वी आर वाचिंग ऑन आवर टीवी स्क्रीन है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, 142-9 श्रीलंका, 35 ओवर हो चुके हैं, और पाकिस्तान सदमे में करवाओ टिकटें हमारी, वो आए है। वापस उधर क्या कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड वाला खेल लेंगे तो फायदा नहीं। चले बाकी ये है कि आज का व्लॉग जो है वो है जी माई फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम बेंगलोरु न्यू टर्मिनल टू एयरपोर्ट को 5 स्टार होटल बना दिया, फाइव एयरपोर्ट स्टार को फाइव फाइव ओए स्टार ओए 5 स्टार ही, फाइव स्टार 5 स्टार बिल्कुल। यू आर लाफिंग, व्हाई आर यू आर लाफिंग, उन्होंने कहा फाइव एयरपोर्ट को स्टार बढ़ा पांच दी, स्टार 5 स्टार भी जा सकते लाफिंग की ठीक थी है। इसलिए यार मैंने चले पांच स्टार मिलता नहीं है ना, 5 स्टार ज्यादा, फाइव फाइव स्टार सूट स्टार करता है, बोलते बिल्कुल। सारे 5 स्टार है ना, मैंने 5 स्टार बोल दिया ना, 5 स्टार को चलो कोई नहीं, होता है चलता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती ये बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत ही है। बड़ी बात थी। चलें ये अभी आज का जो व्लॉग है वो हम देखते हैं, और एडी तो शाहरुख खान क्या हो गया भाई, आज आपने शेर ही नहीं किया, आज मेरा रोक शेर रह गया, रोक ले रोक, ओए होए होए शेर रह गया के वीडियो के बाद, नहीं आज आप ना भी सुनाए तो सही है। आज डेट क्या है, आज 9 नवंबर क्या हुआ था, 9 नवंबर इकबाल डे, इकबाल डे है, शायरे मशरिक बिल्कुल। चलो लेकिन नहीं तो ना सही, हम वीडियो के बाद आपको मैं शेयर सुनाऊंगा, अपने व्यूवर्स को सुनाऊंगा, हाँ बिल्कुल सारियां चवलां। हाँ वीडियो के सबटाइटल भी हैं अगर किसी को ना ये समझ रास्ता आए। है टर्मिनल 1 का, ठीक है ना, वो पुराना वाला एयरपोर्ट, और हम जा रहे हैं टर्मिनल 2, ठीक है ना, डिपार्चर, जो कि ये भैया भी पहली बार जा रहे हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो जर्नी फ्रॉम टर्मिनल 2 ऑफ बेंगलुरुज मोस्ट ब्यूटीफुल टर्मिनल, एंड आई थिंक मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा सीखो कुछ, भाग के गाड़ी के आगे बैठते हो, बंदा पीछे बैठा हुआ अगली सीट खाली है। हाँ बिल्कुल ये बात ये होता बिल्कुल है अच्छा एक कामयाब बंदे का राज, के आपने कभी बॉस को आगे बैठते हुए नहीं देखा है? बैठेगा, नहीं दिक्कत बैठते वाली वो, बात है, वो बैठते ही पीछे, बड़े से पीछे बड़ा बैठा लोग होता है, पीछे जितने बैठते हैं बड़े लोग आगे होते हैं भी। वो पीछे बैठते हैं, तुम भाग के आगे बैठती हो, इट मींस कि यू आर नॉट बिग। अच्छा मैं बच्चों के साथ पीछे बैठ रहा करूँ? हाँ तो और क्या, अच्छा बच्चों के साथ डेफिनेटली पीछे बैठना पीछे है, बैठते हैं बिल्कुल, आगे तो नहीं बैठा सकती आप, 4-5 बच्चे बच्चे पीछे बैठे होते हैं तो। नहीं 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 बेहतरीन टर्मिनल आज की डेट में यही है, ठीक है ना, हैंगिंग गार्डन टर्मिनल बोलते हैं इसको। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाले ब्लॉग के लिए। एक ही फ्लाइट है यहाँ से गुलबर्गा की, ठीक है ना, कालापुरा की, एक ही फ्लाइट है, तो मैं कालापुरा की जा रहा हूँ नॉर्थ कर्नाटक, यहाँ से स्ट्रेट से हम टर्मिनल 2 जाते हैं तो अलग स्ट्रक्चर मिलता है ना, लेकिन ये देखो भाई फाइनली आ गया मैं टर्मिनल 2 बैंगलोर के, और एंट्रेंस देखो यार कमाल की एंट्रेंस है, इसको हैंगिंग गार्डन टर्मिनल कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये ऊपर देखो और इतना रॉयल इतना प्रीमियम दिख रहा है ना, कसम से कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड आने वाले समय में ना सारी डोमेस्टिक फ्लाइट शायद यहीं से होने वाली है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है 22 एग्जिट एंड एंट्रेंस गेटेड है टोटल 22, और ये पूरा देखो पूरा इसको वुडन लुक दिया हुआ, पूरी कोशिश की है कि इस एयरपोर्ट को इको फ्रेंडली एयरपोर्ट बनाया जा सके। तो हाँ दिस इज टर्मिनल 2, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले सकते हो, हालांकि अभी मशीन चालू नहीं हुई है, और पूरे एयरपोर्ट से फिलहाल एक ही फ्लाइट चल रही है जो कि स्टार एयर की है, तो वही फ्लाइट पर मैं जर्नी करने वाला हूँ। फाइनली एंट्रिंग द एयरपोर्ट, और एंट्रेंस करते वक्त देखो ये इन्होंने पूरा एक ग्रीन लुक दिया हुआ है गार्डन सिटी को एनहांस करने के लिए, जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा टर्मिनल 2 से। भैया एक बात बताइए, ये इन्होंने जो वुडन ये ऐसा वुडन स्टिक्स लगाए हुए हैं, ऑल इज वुडन, ओके बैम्बूज आर वुडन, और बैम्बूज आर वुडन राइट, स्टील यूज नहीं किया, रिसाइकल्ड है। अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे तो कॉफी बीन्स एंड टी लीव्स ही दिख रहा है, इसके अलावा तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, चायोस भी है जहाँ से शायद मैं चाय पीने वाला हूँ, मिल गया है काफ़ी कुछ, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ से सिर्फ स्टार एयर ही मिलेगा, और फिलहाल अभी कोई एयरलाइन नहीं है। पर भैया से पूछते हैं बाकी एयरलाइंस कब आ रही हैं, भैया से बात हुई, भैया कह रहे हैं
एक महीने बाद यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 15 फेब को आ रहा है एयर एशिया, और अगले महीने बाद जो है वो बाकी और एयरलाइंस आएंगी। हाँ बट एयर एशिया आ रहा है 15 फेब को, अब कहाँ के लिए आएगा ये नहीं पता, कहीं के लिए तो आ रहा है। सो ये एक टर्मिनल है जो कि गार्डन एनवायरनमेंट में है, और ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है, आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, जो कर्नाटका का रिच कल्चर है ना उसको दिखाया गया है इस एयरपोर्ट में। तो मैं आपको बात बताता हूँ, कोई भी एयरपोर्ट होगा देखना आप, अलग अलग सिटीज़ का, अलग अलग कंट्रीज़ का, उसका जो कल्चर होगा उसको दिखलाया जाता है एयरपोर्ट के थ्रू। इस एयरपोर्ट में कर्नाटका का पूरा कल्चर दिखाया गया है, और बैंगलोर को, बैंगलोर को भी द गार्डन सिटी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। टोटल 5,932 सीट्स हैं लाउंज में, मतलब अंदर जब आप एंटर कर जाओगे बोर्डिंग वोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी क्लियर करोगे, 5,932 सीट्स हैं एयरपोर्ट में जहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। तो मतलब कैपेसिटी देख रहे हो भाई साहब, अलग लेवल वाली है। 17 सिक्योरिटी चेक इन लेन्स हैं, तो अगर आप इस पर एयरपोर्ट से बोर्ड कर रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, तो आप भूल ही जाओ कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा लाइन पे, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन मेड सुपर स्मूथ। लग रहा है भाई 5-स्टार होटल बना दिया इन्होंने एयरपोर्ट की जगह। बट ये जो बैम्बू वाला इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है, जो बैम्बू वाला एक टच दिया है पूरे एयरपोर्ट में, और गार्डन वाला, आपको लगेगा कोई गार्डन के थ्रू वॉक करके बोर्ड करने जा रहे हो। ट्रूली अ मास्टरपीस, आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें से सबसे सबसे अलग ये टर्मिनल 2 है। एंड आपको पता है कि बैंगलोर एक आईटी हब है, सारे ऑफिशियल्स हो गए, एक इम्प्रेशन तो बनना चाहिए ना भाई, इंडिया को लेके बनना चाहिए। कर्नाटका का कल्चर एक इंडियन एयरपोर्ट में, और ऐसा कल्चर अमेजिंग, नो वर्ड्स, हैंड्स डाउन। तो हाँ, एयर एशिया का देखो यहाँ पे आ गया है, एयर इंडिया भी शायद आने वाला है। तो आई थिंक 15 फेब या मिड या एंड फेब तक ना एयर एशिया या तो ये एयर इंडिया, दोनों में से कोई ना कोई एक एयरलाइन ज़रूर आएगी। फिलहाल हमारा स्टार एयर है, तो इतने सारे काउंटर्स हैं भाई साहब, इधर उधर आगे देखो 1, 2, 3, 4, ये वो आगे तक काउंटर ही काउंटर्स भरे हैं। तो बहुत सारी एयरलाइंस आएंगी, तो काउंटर्स बहुत तगड़े हैं। और अब हम जाते हैं स्टार एयर की तरफ, तो ये देख लो सारे डिपार्चर्स इस तरफ, ठीक है ना। मेरे को बहुत पसंद है चाय हाउस, वहाँ पर कॉफ़ी बीन एंड टी लीव्स भी है। तो एक दो फूड स्टॉल्स मिलेंगे आपको जब आप एंट्री करोगे एयरपोर्ट, और जो काउंटर्स हैं सारे एयरलाइंस के बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, लाइन वगैरह में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1, 2, 3 बहुत सारे हैं। द बेस्ट पार्ट, इन्होंने ना मतलब काउंटर सेल्फ चेक इन भी कर सकते हो, तो सेल्फ चेक इन काउंटर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 9, 9, 9 कम से कम मान के चलो आप 40-50 सेल्फ चेक इन काउंटर्स होंगे। गाइस अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी की तरफ, इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं लेफ्ट में, डोमेस्टिक हैं स्ट्रेट, और हाँ टॉयलेट्स वगैरह भी हैं आगे। जैसे आप एंट्री करोगे हर जगह आपको एक ग्रास ग्रास दिखेगी, पूरा ग्रीन ग्रीन, आपको लगेगा जैसे आप गार्डन के थ्रू वॉक कर रहे हो। वुड के बैम्बूज चीज़ों को और साफ कर देंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस। फाइनली क्लियर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भाई अलग ही लेवल की इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। स्कैनर से होके बैग बाहर निकलता है ना, तो हाँ ऑटोमेटिकली, मतलब आपको रोकना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली जगह पे आके रुक जाएगा, और जैसे ही आप सामान सारा निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे चले जाएगा, वो जो बॉक्स रहता है जिस पर आप सामान रखते हो वो नीचे वापस घूम के पीछे। सारे गेट्स हैं यहाँ से, सिक्योरिटी करने के बाद हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे ग्रीनरी देखो बहुत कमाल का लग रहा है, बहुत ही ऑसम लग रहा है। यहाँ पे एसी के डक्स वगैरह दिए हैं, और यहाँ पे स्टैचूज वगैरह हैं सारे गॉड्स के, जो कर्नाटका के कल्चर को एनहेंस करते हैं पूरे तरीके से। एंड ऊपर देखो, ऊपर से भी बहुत कमाल का है। तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली एयरपोर्ट है ये, यहाँ से वॉक करना, इस एयरपोर्ट के थ्रू वॉक करना एक अलग ही अपना मज़ा है, रिफ्रेश हो जाओगे आप कसम से। मतलब अब एंटर कर रहे हैं डिपार्चर गेट की तरफ, अभी और काम चल रहा है एयरपोर्ट में, यहाँ पे आई थिंक और भी स्टैचूज वगैरह आएंगे। तो बिदार भी कर्नाटका में है, किन्हाला, द फ्लाइंग फिगर्स क्राफ्टेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ कोपल, पूरा ही। अब मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से रिपीटेड, कर्नाटका के जितने भी कल्चर्स हैं, चाहे वो साउथ कर्नाटका में हो, नॉर्थ कर्नाटका में हो, उसको यहाँ पर दिखलाया गया है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो हाँ यहाँ पे ये ब्रांड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इन्होंने सारा स्टॉकअप कर लिया है खुद को, बस 15-20 दिन में यहाँ पे बहुत कस्टमर्स मिलेंगे आपको, पूरा पैक रहेगा ये। टर्मिनल इन अ गार्डन, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना यही है, ये बताना कि यू आर वॉकिंग थ्रू अ टर्मिनल ऑफ गार्डन। ऊपर कोई LCD वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगेंगी। तो भी हाँ, अभी और काम चल रहा है फिलहाल, जितने भी आप शॉप्स वगैरह देख रहे हो यहाँ पे भी इन लोग अभी स्टॉकअप कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम तो है, सारा स्टॉकअप हो चुका है, और भी स्टॉकअप कर रहे हैं। और यहाँ पे शायद ये लाउंज है, अभी एग्जैक्टली कौन सा लाउंज है मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल बुफे वगैरह शुरू नहीं हुआ होगा। स्मूर भी है, स्मूर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बैंगलोर में वन ऑफ दी बेस्ट कॉफ़ी शॉप लगती है मुझे। तो जैसे आप वॉक करते रहोगे ना एयरपोर्ट के अंदर, जैसे मेरे को जाना है D22, मेरा गेट है D22, तो यहाँ पे आपको ना हर 5 मिनट में ये बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट करेंगे वो कि कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना, राइट जाना है। तो मेरे को इधर जाना है, ठीक है ना, D22, तो आपको वहाँ पे स्मूर मिल जाएगा।
हालांकि स्मूर कैफे नहीं है, चॉकलेट्स वगैरह वाला स्मूर है, कैफे होता तो मैं बैठ जाता। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कॉफ़ी शॉप दी हुई है। तो रास्ते से मतलब जहाँ से आप आओगे ना वॉकवे से बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह मिल रहे हैं ऑलरेडी। और अभी उस साइड जब मैं जाऊँगा डिपार्चर गेट की तरफ तो आपको और सारे ब्रांड्स मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। तो मैंने एक पानी की बॉटल ली है, ठीक है ना, यहाँ से ब्रियोचे डोरे, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। और हाँ, चार्जिंग सॉकेट्स भी है, तो अंदर बैठ कर आराम से आप लैपटॉप में काम वगैरह कर सकते हो। और ऊपर पूरे बैम्बूज हैं, पूरे वुड का जो है इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये इट्स वन ऑफ अ काइंड। तो हाँ, अभी कुछ आउटलेट्स हैं रेडी हैं, बट अभी पता नहीं, शायद अभी इनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। हमारा गेट है डाउन D22, तो मतलब हम जाएंगे बस से। एस्केलेटर्स वगैरह दिए हुए हैं। ओ भाई साहब, इस एस्केलेटर का जो लेंथ है गाइस, कसम से बहुत ज़्यादा डाउन है। और ये रहा एयरपोर्ट, बाहर से ऐसा दिखता है। एंड आई थिंक जो एरो ब्रिज वाले टर्मिनल्स हैं वो सारे वहाँ पे हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ से एरो ब्रिज वगैरह शायद कनेक्ट होगा गेट्स के लिए, D10 D11, वो आगे तक है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा बहुत काम चल रहा है और एस्केलेटर्स भी दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े। तो वो आगे से लेके, मतलब मान के चलो D1 से लेके टोटल D13 तक सारे गेट्स हैं। और कुछ गेट्स नीचे हैं जहाँ से हमारी फ्लाइट है, जो बस के थ्रू जाएंगे। बहुत मस्त दिख रहा है गाइस ये। तो जगह जगह पे ना बैठने की जगह दी है, देखो यहाँ पे भी बैठ सकते हो, वहाँ पे भी बैठ सकते हो। तो दिस इज द वॉशरूम एरिया, आपको लगे आप कोई 5-star होटल के वॉशरूम में हो। ये देखो ये सोप डिस्पेंसर, तो सोप भी आपको ये निकलेगा सेंसर से, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा हाथ अलगे ना, हल्का सा सोप निकलेगा। और ये है आपका हैंड ड्रायर भी है इसमें, वाटर डिस्पेंसर भी है। तो हाँ, इसके नीचे अगर डालोगे हाथ तो वाटर डिस्पेंसर, इसके नीचे डालोगे तो शायद ये आप हाथ रखोगे ऐसे फोल्ड करके रखोगे ना, मतलब हैंड ड्रायर यहाँ पे होता है ना जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट में, यहाँ पे दिया हुआ है। सुपर डुपर क्लीन, माई फेवरेट एंड द बेस्ट पार्ट। नीचे वाले डिपार्चर गेट्स में हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत सारी बैठने की जगह है। सब में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स एंड USB पोर्ट्स दिए हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। ओ भाई भर भर के दिए हैं, ये जो चीज़ है सीरियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एयरपोर्ट के बाहर भी गार्डन टाइप का बनाया हुआ है 22। सीरियसली ये जो एयरपोर्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वंडर, अमेजिंग, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कुछ भी बताता हूँ, जो नीचे वाले डिपार्चर गेट्स हैं, फिलहाल खाने पीने के आउटलेट्स नहीं है नीचे वाले डिपार्चर गेट्स में। आई थिंक अभी 15-20 दिन में आ जाएंगे। और ऊपर वाले डिपार्चर गेट्स में भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वहाँ पे भी जो है खाने पीने के आउटलेट्स आ जाएंगे। हालांकि 95-96% एयरपोर्ट ये रेडी है। एंड आई थिंक 15-20 दिन में जैसे उन्होंने बताया कि एयर एशिया आ रही है, एयर इंडिया आ रही है, अभी फिलहाल लेकिन स्टार एयर है फॉर नेक्स्ट 15 डेज, और 15 फेब तक तो स्टार एयर ही है इधर। दिस इज द ओवरऑल, यहाँ पे इन्होंने वाईफाई वगैरह के लिए वो लगाया हुआ है डोंगल वगैरह। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पे पहले ही बता दिया था कि मैं ये वाला व्लॉग जो है अपलोड करने वाला हूँ, मैंने फोटो अपलोड कर दी थी। तो प्लीज़ गाइस मुझे फॉलो कर लिया करो इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाकर फॉलो कर लो। मैंने अभी अभी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को डेली व्लॉग्स देखने हैं कि नहीं। तो हाँ, आप लोगों ने बहुत लोग बोला देखने हैं। कुछ कमेंट्स थे ऐसे, मतलब जो कह रहे थे कि दूसरा चैनल बनाओ उसके लिए। तो हैरीज जो है मेरा दूसरा चैनल है, और उसका लिंक हमेशा रहता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने हैरीज को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो हैरीज को, बहुत। तो लें जी, ये था आज का वीडियो। आगे भाई जो है वो बता रहे हैं अपना के चैनल को सब्सक्राइब करें और करें जी। उन्होंने टर्मिनल दिखा दिया बेंगलुरु का भाईजान, एयरपोर्ट बिल्कुल। हमने कल रेलवे स्टेशन देखा था फुली एयर कंडीशन, वो भी बेंगलुरु का देखा था, बेंगलुरु का। और आज लगता है बेंगलुरु में काफी रोड काम हो रहा है ना, काम काफी बढ़िया सिटी है। और बहुत सिटीज हैं जो हमने नहीं, और जो इन्होंने थीम लिया ना बंबू ट्री का, सारा वुड वर्क किया, वो बहुत जबरदस्त है। ऐसे होता है ना, मुझे जिसने वीडियो भेजा था वो बता रहे थे, कहते ये जो एयरपोर्ट है इसका सारा काम लकड़ी का किया जा रहा है, बंबू ट्री की, वैसी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, वो देखने भी बहुत नाइस लगता है। एक्चुअली ये होता है कि अभी अगर हम देखें कि आप बड़े एयरपोर्ट्स पर जब जाते हैं, स्पेशली अगर हम दुबई में देखें तो आपको एयरपोर्ट के अंदर पूरे मॉल्स, हर चीज जो है वो नजर आती है, आप शॉपिंग करते हैं। तो ये भी उसी तर्ज का जो है वो इसको बनाया जा रहा है कि इसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर आपको ब्रांड्स हर टाइप की जो है वो मिलेगी, आपको कैफेटेरिया मिलेंगे, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, बहुत जबरदस्त। बाकी ये जैसे वो भाई भी लोग भी बता रहे थे, कहते चार्जिंग वाली पोर्ट भर भर के भर 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 के। अच्छा, ये इसका ये बहुत गुड साइन है, ये मैं देख रहा हूं कि एक हमने कल भी देखा। देखें जी, अभी जो वक्त चल रहा है ना, इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, बिल्कुल सोशल मीडिया, मोबाइल,
स्मार्टफोन, क्योंकि आपने कहीं भी ट्रेवल करना है, आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक कॉमन बंदा है ना, वो भी जब ट्रेवल करेगा तो उसका जो टाइम गुजरेगा वो गुजरेगा इसके ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर। तो जाहिर है जब आप उसको यूज कर रहे होंगे कंटिन्यूसली और उसके बाद आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन होनी है, तो आपको चार्ज करने के लिए भी कोई जगह चाहिए। बिल्कुल, तो आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं आराम से, चार्जर तो जो कहीं पे जाते हैं अपना चार्जर तो उनके बैग में होता है, डेफिनेटली हर बंदा अपने पास रखता है, तो वो निकालें। और इवन के इधर इन्होंने हमने जो कल टर्मिनल देखा था उधर उन्होंने यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स इधर भी दी है, बिल्कुल, अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप सिंपली केबल, डाटा केबल निकालें और चार्ज में लगा के, बिल्कुल। बाकी बढ़िया वीडियो और एक अच्छा व्लॉग हमें देखने को मिला। तो गाइज हमें कौन कौन देख रहा है जी, हमें बेंगलुरु से कौन कौन देख रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।